हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मुकेश फ्रॉम ई एकेडमी। आज हम अपने वीडियो में कावेरी रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने गोदावरी रिवर सिस्टम पढ़ लिया है, कृष्णा रिवर सिस्टम पढ़ लिया है, महानदी रिवर सिस्टम पढ़ लिया है, गंगा यमुना भी हमने पढ़ लिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ई एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, जब आप एग्ज़ाम दोगे तो इसी में से पेपर बनेगा, उसको आप निश्चिंत रहिए। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर है, प्लीज़ अपने सर्किल में ई एकेडमी के बारे में बताएं तथा सब्सक्राइब करवाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं कावेरी रिवर सिस्टम से। कावेरी रिवर सिस्टम जो है मेनली कहाँ पे है? कर्नाटका और तमिलनाडु। कावेरी रिवर सिस्टम का ओरिजिन देखते हैं। कावेरी रिवर सिस्टम जो है ताला कावेरी जगह है, एक ताल कावेरी या ताला कावेरी भी बोलते हैं इसको। कहाँ पे है ये? ब्रह्मगिरी हिल पे। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, ब्रह्मगिरी हिल। ब्रह्मगिरी हिल रेंज से ताल कावेरी नामक जगह से कावेरी रिवर निकलती है। कावेरी रिवर की हम ट्रिब्यूटरी पढ़ते हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हेमावती, HEMAVATI, हेमावती रिवर। हेमावती रिवर के बाद है अकरावती रिवर, और इसका तो पूरा कोड वर्ड ही है। अकरावती रिवर के बाद है सिमसा, और सिमसा के बाद है भीमसा। ये हो गई आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी। अब इसका कोड क्या है? हेमा की अकड़ से सिम पर भीम। तो अटपटा सा गाना है, इसको याद करो, हिंदी में लिख देता हूँ। हेमा नाम की एक लड़की है, उसकी अकड़ है, अकड़ से इतनी अकड़ है कि सिम कार्ड जो आप खरीदते हो ना, आइडिया जियो ये सब वाला सिम पर कौन आ गए हैं? भीम। भीम कितने ताकतवर थे, वो सिम पे खड़े हो गए। हेमा की अकड़ से सिम पर भीम। हेमा मतलब हेमावती, अकड़ मतलब अकड़ावती, सिम मतलब सिमसा, भीम मतलब भीमसा। कितना अच्छा गाना है इसका। तो ये सब गाने से आपको याद हो जाएगा, हेमावती, अकड़ावती, सिमसा, भीमसा। अब हम देखते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपकी हरांगनी, HARANGANI, हरांगनी रिवर। हरांगनी रिवर के बाद है कवानी, या कावनी भी रिवर बोलते हैं इसे। फिर उसके बाद है लक्ष्मण तीर्था, यह है आपकी लक्ष्मण तीर्था। ये तीन रिवर है। फिर उसके बाद है आपकी भवानी, भवानी रिवर। फिर सुरुवानी और अमरावती। बहुत इम्पोर्टेंट रिवर है अमरावती, बहुत बार पूछते हैं। अमरावती एक जगह भी है, अगर आप जगह के नाम से सोचोगे तो कन्फ्यूज़ कर दोगे, तो आप कहाँ लगा दोगे? आंध्र प्रदेश में। जबकि अमरावती किसकी ट्रिब्यूटरी है? आपकी कावेरी की। अब देखो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी को कैसे याद करेंगे, हरांगनी, कावनी और लक्ष्मण तीर्था। तो एक लक्ष्मण नाम का लड़का है, वो हार गया है किससे? काव्या से। तो हम लिखते हैं हार गया काव्या से, कौन हार गया है? लक्ष्मण। ये हो गई राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। हार गया है मतलब हरांगनी, काव्या से कवानी, और लक्ष्मण मतलब लक्ष्मण तीर्था। शुरू की तीन राइट बैंक, और भवानी, सुरुवानी और अमरावती आपको याद करनी पड़ेंगी। तो भवानी, सुरुवानी, अमरावती को छोड़ के बाकी सबके कोड हैं, और कोड याद करने से आपका ऑब्जेक्टिव सही मायने में एकदम बिना किसी कन्फ्यूजन के करेक्ट होता है, जो बाकी बच्चों का नहीं हो पाता है। फिर इसके बाद हम इन रिवर्स में
कौन कौन से डैम हैं उनको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डैम पढ़ते हैं आपका लक्ष्मण तीर्था रिवर पे। लक्ष्मण तीर्था रिवर पे यहाँ पे आपका एक डैम पड़ता है, उसको बोल डैम नहीं है ये जो है वाटरफॉल है। वाटरफॉल बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इरुप्पू IRUPU इरुप्पू वाटरफॉल। इरुप्पू वाटरफॉल किस रिवर पे है? लक्ष्मण तीर्था रिवर पे है। बाकी तीन जो है यहाँ पे डैम है, और इस जो रिवर का नाम है वही डैम का नाम है, भवानी, सुरुवानी और अमरावती, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आपका कृष्ण राज सागर डैम, कृष्ण राज सागर डैम सिमसा और भीमसा के बीच वाले कोर्स में है। सिमसा और भीमसा के बीच वाला कोर्स यहाँ पे आपको कौन सा डैम है? कृष्ण राज सागर डैम, तो कहाँ पे लिखूँ, जगह है नहीं, तो इस डैम को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कृष्ण राज सागर डैम ये हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट डैम जो है इसके जस्ट आगे पड़ता है, इस डैम को बोलते हैं मिट्टू डैम, METTUR मिट्टू डैम। इस पूरे सिस्टम का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया डैम कौन सा है? मिट्टूर डैम। और मिट्टूर डैम को हम अलग से भी पढ़ेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें याद करने की होती हैं। मिट्टूर डैम जो है सलेम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद मेन कावेरी के कोर्स पे लास्ट में एकदम डैम पड़ता है कोल्ली डैम, KOLLI कोल्ली डैम। तो लगभग हमने सारे डैम पढ़ लिए। फिर एक शिव समुद्रम डैम भी होता है, ये कभी पूछते तो है नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ उसकी लोकेशन। शिव समुद्रम डैम जो है आपका यहाँ पे पड़ेगा, शिव समुद्रम डैम SHIVSAMUNDRAM शिव समुद्रम डैम। तो ये सारे जो है डैम हमने पढ़ लिए। मैंने बोला था मिट्टूर डैम को हम अलग से पढ़ेंगे, तो अब उसको भी देख लेते हैं क्यों इम्पोर्टेंट है मिट्टूर डैम। मिट्टूर डैम जो है ये कहाँ पे है? सलेम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। इस डैम के दो और निक नेम हैं, एक है स्टैनले डैम STANLEY स्टैनले डैम, और एक नाम है इसका ग्रैंड एनीकट डैम। अब पेपर वाले के ऊपर है कि वो क्या ले। तीनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मिट्टूर डैम, ग्रैंड एनीकट डैम और स्टैनले डैम, तीनों ही नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई एग्ज़ाम में किसी कभी ग्रैंड एनीकट डैम के नाम से पूछते हैं तो समझ लो कि मिट्टूर डैम की ही बात हो रही है, ठीक है। तो ग्रैंड एनीकट जब भी बोले तो मिट्टूर डैम ही आप समझोगे, बाकी अपना दिमाग ज़्यादा नहीं घुमाओगे। तो यहाँ पे हमने पूरा कावेरी रिवर सिस्टम और उससे रिलेटेड डैम सारे पढ़ लिए। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कुछ रिवर हमारी इंडिया की, कुछ रिवर जो हैं ईस्ट फ्लोइंग छोटे छोटे रिवर सिस्टम है, ठीक है, और कुछ वेस्ट फ्लोइंग सिस्टम है जो हम पढ़ने जाएंगे। और वेस्ट फ्लोइंग सिस्टम में तो हम जब से ज़्यादा इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इस बार क्या है, केरला में फ्लड आई है, और केरला में फ्लड आने के कारण कुछ छोटी छोटी रिवर थी, ठीक है, जो डायरेक्ट जो है बिना किसी ट्रिब्यूटरी के सीधे जो है आपका ओशन में मिल जाती हैं, अरब सी में मिल जाती हैं। तो छोटी छोटी रिवर के कोर्स जो हैं इस बार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं केरला फ्लड के चक्कर में। तो अगले वीडियो में हम इन्हीं छोटी छोटी जो रिवर छोटे छोटे रिवर सिस्टम इंडिया में भी बहुत सारे बचे हैं ईस्ट और वेस्ट फ्लोइंग जो है कवर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एकेडमी, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू।